इस साल सावन महीने में कितने सोमवारी व्रत है? पहली सोमवारी व्रत कब रखी जाएगी? इस बार सावन की पहली सोमवारी क्यों होने वाली है बेहद खास? किन लोगों को रखने पड़ेंगे 5 सोमवारी व्रत? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। भगवान शिव की भक्ति के रस में डूबने का महीना आ गया है। जी हाँ, सावन महीना आ चुका है। पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए और उनकी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी आराधना की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीने का हर दिन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सोमवार का दिन खास करके भगवान भोलेनाथ की अथाह भक्ति का दिन माना जाता है। इसलिए सदियों से सावन सोमवारी के व्रत को रखने की परंपरा चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सोमवारी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करके विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए सावन आने से पहले ही लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो जाती है कि इस बार कितनी सोमवारी पड़ने वाली है। कभी कभी 4 सोमवारी होती है तो कई बार सावन में 5 सोमवारी व्रत भी पड़ जाते हैं। इस बार भी यह कन्फ्यूजन लोगों में बना हुआ है कि पहली सोमवारी कब है, आखिरी सोमवारी किस तारीख को खत्म होने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार कितनी सोमवारी व्रत होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस बार सावन महीने में 4 सोमवारी व्रत है, मगर कुछ खास लोगों के लिए 5 सोमवारी भी हो सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए एक एक कर सारे जवाब बताते हैं। पूर्णिमा की तिथि के हिसाब से सावन में इस बार 4 सोमवारी लग रहे हैं, जबकि संक्रांति के हिसाब से सावन महीने की शुरुआत ही 16 जुलाई यानी कि शनिवार को हो रहा है। इसलिए पूर्णिमा और संक्रांति दोनों के हिसाब से सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है। बता दें कि पहला सोमवारी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पंचमी तिथि होने के कारण उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल मिलेगा। सावन की दूसरी सोमवारी 25 जुलाई को होगी। इस दिन प्रदोष व्रत का भी संयोग है, जिस कारण यह दिन शिव भक्तों के लिए काफी शुभ रहेगा। तीसरी सोमवारी 1 अगस्त को है। इस दिन चतुर्थी तिथि होने से वरद चतुर्थी का भी संयोग बन रहा है, यानी भोलेनाथ के साथ साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा करने पर लाभ मिलेगा। सावन की चौथी सोमवारी 8 अगस्त को होगी। जो भी लोग पूर्णिमा यानी कि 14 जुलाई के हिसाब से सोमवारी करेंगे, उनके लिए ये सोमवारी अंतिम ही सोमवारी होगी। इस दिन एकादशी तिथि भी है, इसलिए भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का व्रत रखने से पुण्य फल मिलेगा। इसी के साथ 11 अगस्त के दिन पूर्णिमा के साथ ही सावन महीना खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को 4 नहीं 5 सोमवारी करनी पड़ सकती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए इस बार 5 सोमवारी है। जो लोग संक्रांति के हिसाब से सावन महीना मना रहे हैं, बस उनके लिए ही 5 सोमवारी रहेगी, क्योंकि संक्रांति के हिसाब से महीना 16 जुलाई को शुरू हो रहा है और भादो महीने की संक्रांति 17 अगस्त को लग रही है। ऐसे में इसे मनाने वालों के लिए 15 अगस्त को आखिरी सोमवारी यानी कि 5वां सोमवारी रहने वाला है। 15 अगस्त को ही सावन सोमवार के साथ बहुला चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इस बार सावन की हर सोमवारी में कई संयोग बन रहे हैं, इसलिए सच्चे मन से भक्तिभाव करने वाले भक्तों को दोगुना फल मिलने वाला है। तो यह थी सावन सोमवारी से जुड़ी सारी जानकारियाँ। आप हमें कमेंट में करके बताएं कि आप किस हिसाब से सावन सोमवारी मनाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।